नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि जैन, यस डाडा न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश। अभी हमने आपको बिरला मंदिर का विजिट करवाया, अब हम आए हैं गार्डन में। जी हाँ, देखना चाहते हैं कि लोगों में कितनी उत्सुकता है आज साल के पहले दिन। मैडम, आपका परिचय? दीप्ति रघुवंशी। दीप्ति जी, क्या लग रहा है आपको, आज साल का पहला दिन है, आप गार्डन में आई हैं, क्या सोच है आपकी? बस ये है कि सावधानी रखना है, बच्चों के साथ लेके आए हैं तो बच्चे खेल रहे हैं, मास्क लगा के आए हैं, सैनिटाइजर कर रहे हैं। मैडम, आपका नाम बताइए। लक्ष्मी द्विवेदी। लक्ष्मी जी, क्या लगता है आपको, अभी इस समय हम गार्डन में मौजूद हैं, काफ़ी मुझे रश भी दिखाई दे रहा है, तो ये डर तो है अंदर कहीं ना कहीं, लेकिन आज क्योंकि नया साल है तो हम उसे मनोरंजन की दृष्टि से कितना देखते हैं? जी अब तो नहीं है डर, क्योंकि 3 महीने बहुत डर डर के रहे, कहीं नहीं जा पाए हम, यहाँ बहुत दूर हमारा मायका है, यहाँ पे रह रहे हैं तो बच्चे भी अंदर घुसे घुटन भी हो रही, तो यहाँ हाँ थोड़ा वो भी इंजॉय करें, हम भी करें, स्कूल भी नहीं लग रही, कहीं नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए यहाँ लेके आए कि वो भी बढ़िया अच्छे से घूमेंगे, हम भी सावधानी बनाए हैं और सैनिटाइज भी करते जा रहे हैं, मास्क भी लगा के खेलते जा रहे हैं, इतने काफ़ी लोग भी यहाँ नहीं है, भीड़ भी नहीं है, बिरला मंदिर में तो बहुत भीड़ थी इसलिए वहाँ नहीं गए हम और इधर आए हैं, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। आप कुछ और कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बस सभी लोग सावधानी बरसें और घूमना तो ऐसा है, बच्चों का हो जाता है मनोरंजन, घर में भी कब तक रहेंगे। तो देखा आपने, यहाँ लोग आए हैं, बच्चे कब तक घर में रहेंगे, इस सोच के साथ माताएं बहनें घर से निकली ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं डर अभी भी है। बच्चे भी यहाँ पे काफ़ी तादाद में मौजूद हैं और अभी स्कूल जैसा कि सबको बताया नहीं चल रहे हैं, तो उसके चलते भी हम इनसे जानते हैं कितना इंजॉय बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं। बेटा, आपका नाम बताइए। आरव। आप यहाँ पे क्या करने आए हो, खेलने आए हो? हाँ। इस तरफ देख के बात करो हमसे। हाँ, हम लोग खेलने आए। आपको स्कूल जाना है? नहीं, अभी नहीं जाना, अभी मन नहीं भरा छुट्टियों से। बेटा, आप आगे आइए, आपका नाम बताइए। अदिति रघुवंशी। अदिति, कौन सी क्लास में आप? सेवेंथ में। क्या बेटा, कोरोना को लेके आप क्या समझ रहे हो, अभी भी डर लग रहा है आपको? हाँ, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इसलिए मास्क और वगैरह वगैरह सैनिटाइजर हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसमें अच्छे से रहे और हमको खुद को सेफ रखना चाहिए और सबको भी। अच्छा, वेरी नाइस, गुड मैसेज दिया आपने। एक चीज़ बताएं, ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही हैं अभी? हाँ। तो पढ़ाई कर रही हैं आप अच्छे? हाँ। से, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है ना? हाँ। इसीलिए आज आप यहाँ आए। हाँ। क्या बताना चाहते हैं आप और बताएं? लॉकडाउन के बाद बहुत बोर हो रहे थे, तो फिर न्यू ईयर था, वैसे भी न्यू ईयर पे पार्टी करनी चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे खाना लेके आए थे, खाना खाया मम्मा के साथ, आंटी के साथ, और उन लोगों को बहुत एंजॉय करा। वेरी नाइस, तो देखा आपने, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े भी हैं, ये लोग पिकनिक मनाने यहाँ पर आए और खाना खाया इन लोगों ने, 31st की नाप इस बार इन लोगों ने नहीं इंजॉय की। मैडम, आप मुझे बताइए, आप सबके साथ आई हैं, सबको लेकर आई हैं, कैसे क्या नए साल को मना रही हैं आप? बच्चों को लेकर आए, बच्चे घर में बोर हो रहे थे मैम, तो बच्चे कहने लगे मम्मा घूमने चलना, ईयर मना, तो आप यहाँ गार्डन में आए। अच्छा, और आपको क्या लग रहा है, अभी कोरोना काल चल रहा है तो थोड़ा डर है? बहुत डर है बच्चों के, इसलिए तो दूर दूर करके खिला रहे हैं। अच्छा, ध्यान रख रहे हैं आप उनका। और बेटा, आपका क्या नाम है? नितिन। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड। अच्छा, आप यहाँ क्यों आए हो? खेलने के लिए। अच्छा, आपको कोरोना क्या होता है पता है? क्या होता है कोरोना? बीमारी है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर करना चाहिए। तो देखा आपने, छोटे बच्चे तक ने हमें एक मैसेज कन्वे कर दिया, बड़े तो दूर की बात, छोटे बच्चों तक को ये मालूम पड़ चुका है कि अब हमें किस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को जीना चाहिए। मैं आपका रुख इस तरफ करवाना चाहूंगी। बेटा, आप आगे आइए, आपका क्या नाम है? अनुष्का। अनुष्का, आप यहाँ पर क्या करने आए? मैं यहाँ पर घूमने आई। अच्छा, आप स्कूल तो चालू नहीं है, आपको दोबारा से स्कूल जाने की इच्छा होती है? अब बोर होने लगे आप, और गार्डन में कितने टाइम के बाद आए? बहुत टाइम के बाद गार्डन में आए। हम कभी कभी आते हैं, तो देखा आपने, मिला जुला हमें यहाँ सबका टेस्ट पता चला। कुछ बच्चे अभी स्कूल दोबारा जाना चाहते हैं क्योंकि अब वो घर पर बोर हो चुके हैं, कुछ बच्चे कहते नहीं अभी हमें और इन्जॉय करना है। आखिरकार फिजिकल एक्टिविटी भी बच्चों के जीवन में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। हम इस गार्डन में आए, हमने सबकी राय जानी, नया साल सब लोग अपने अपने तरीकों से पिकनिक मनाते हुए इन्जॉय कर रहे हैं। मैं रश्मि जैन, यस डाडा न्यूज़, कैमरामैन अजय के साथ, भोपाल।